हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बिंदास बॉय टीच विद फन। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेकर के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डीजे की मदद से आप किसी भी सॉन्ग को 3D म्यूजिक में बदल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यूट्यूब पे गूगल पे तो 3D म्यूजिक सुने ही होंगे, तो आपको भी मन में होगा कि काश मैं भी 3D म्यूजिक बना पाता। तो इसके लिए मैं आपको लेकर के आया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 3D डिक्स म्यूजिक प्लेयर से आप 3D म्यूजिक बना सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके पास एक ओरिजिनल हेडफोन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने डिक्स डीजे की मदद से जब भी 3D म्यूजिक बनाएं तब आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर ले। बगल में एक बेल नोटिफिकेशन और उसे ऑल पे सेट कर दे, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। उसके बाद आपको एक छोटा सा लाइक भी कर देना है फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि अपने फ्रेंड्स को भी इस ट्रिक के बारे में पता चले। एक छोटा सा कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले अगला वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लेकर के आने के लिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसके लिए आपको डिक्स डीजे इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आपके पास डिक्स डीजे इंस्टॉल नहीं है तो आपको प्ले स्टोर पर सर्च करनी है डिक्स डीजे। तो मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा था, तो इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ। आपको ये वाले एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके मैं आपको 3D म्यूजिक बनाना के लिए सिखाने वाला हूँ। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के इसे बहुत ही आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं। चलते हैं, इसे यहाँ से कर लेता हूँ मैं ओपन। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा डिक्स डीजे पूरी तरह से ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अगर आप पहली बार डाउनलोड किए हैं डिक्स डीजे को, तो यहाँ पे आपके फ़ोन में जितने भी सॉन्ग्स हैं उसे यहाँ पे रीड करने में कुछ टाइम लग सकता है। तो मैंने इसे पहले से ही इंस्टॉल करके रखा था, तो मेरा कुछ टाइम नहीं लगा। तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पे ऊपर में एक रेड कलर का रिकॉर्ड बटन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे राइट साइड और लेफ्ट साइड दो कैसेट है, जिसे मैं चैनल कहता हूँ, चैनल 1 और चैनल 2। तो इसमें आपको 3D म्यूजिक प्लेयर बनाने के लिए आपको दोनों ही चैनल में एक ही सॉन्ग प्ले करनी है। तो इसके लिए आपको किसी भी सॉन्ग को चॉइस कर लेनी है। मेरा यहाँ पे न्यूज आ गया, मैं इसे कट कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको किसी भी सॉन्ग को दोनों चैनल में बजाने के लिए ये चैनल 1, ये चैनल 2 और ये चैनल दोनों के लिए है। तो मैं इसे दोनों पे सेलेक्ट करके प्ले कर देता हूँ। प्ले करने के बाद फ्रेंड्स, मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा दोनों चैनल में एक ही सॉन्ग आ गया है। उसके बाद आपको यह जो ऑटो फीड है इसे बीच में ला देनी है, ताकि जब भी सॉन्ग बजे तो दोनों सॉन्ग एक साथ बजे, दोनों सॉन्ग एक साथ बजनी चाहिए आपको। आपको शुरुआत से रखनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो ये वाले बटन जो देख रहे हैं, जो मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ इस पर बीच वाले बटन को, ये वाले बटन पे क्लिक करते ही आपका दोनों सॉन्ग एक साथ ही बजने लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे हेडफोन लगा लेनी है। हेडफोन लगाने के बाद फ्रेंड्स, आपको नीचे में फेड, ऑटो फेड के नीचे में जो एक हेडफोन का आइकन नज़र आ रहा है उस पर आपको क्लिक करनी है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, इस ऑप्शन का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आप एक टाइम में दो सॉन्ग प्ले करते हैं और दोनों सॉन्ग आप सुनना चाहते हो। जैसा कि आप यहाँ पे आइकन में देख सकते हैं, एक स्पीकर में, एक आपके मोबाइल में और तीसरा आपका हेडफोन में। तो इसका मतलब यह है कि फ्रेंड्स, कि इस एप्लीकेशन का, इस ऑप्शन का यूज वहाँ पे हम लोग करते हैं जहाँ पे आप किसी भी बॉक्स में या डीजे पे आप सॉन्ग बजा रहे हो, तो आप एक सॉन्ग डीजे में बजती है और दूसरा सॉन्ग आपका हेडफोन में, ताकि आप अगला गाना कौन सा बजेगा वो आप पहले से ही डिसाइड करके रख लेते। इसके लिए तो आप एक, इसका यूज तो एक इस तरह से होता है, तो आप इसका यूज अभी 3D म्यूजिक बनाने में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी इसको एक को क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देनी है। ओके पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जा रहा था। ये बीच वाले जो आइकन है इसे आप कहीं भी ऊपर नीचे कर सकते हैं एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे चैनल 1 का जो ऑप्शन देख रहे हैं हेडफोन पे, इसको आपको क्लिक कर देनी है। और उसका ये वॉल्यूम है चैनल 1 का वॉल्यूम, कि आप चैनल 1 में कितना वॉल्यूम रखना चाहते हैं। उसके बाद आप चैनल 2 का जो वॉल्यूम है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीच वाले बटन, उसके ऊपर वाले जो प्ले बटन है उसको आपको क्लिक करके दोनों सॉन्ग को एक साथ में आपको प्ले करनी है। प्ले करने के बाद मैं यहाँ पे मास्टर वॉल्यूम ऑफ कर देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दोनों सॉन्ग को एक साथ प्ले कर दिया। प्ले करने के बाद फ्रेंड्स, आपको ये दोनों ही आइकन को ऑन कर देनी है।
ऑन करने के बाद आपका जो वॉल्यूम है ये वाले सुनेंगे तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही पूरा 3D साउंड में लगेगा फ्रेंड्स, तो आप इसे रिकॉर्डिंग कर ले, रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको सेव कर ले, सेव करने के बाद फ्रेंड्स आप इसे सुन करके देख ले और मुझे बताएं कि ये सॉन्ग आपका 3D में कैसा कन्वर्ट हुआ है, कैसा एडिटिंग हुआ है। ये ट्रिक आपको कैसा लगा फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दे, मुझे एक छोटा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।